तो दीपक बावरिया को सुन रहे थे आप, जहां उन्होंने साफ तौर पर यह स्पष्ट किया कि 78 से 80 सीटों पर बातचीत हो गई है, बाकी बची सीटों पर भी मंथन जारी है, जल्द ही उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा। इसके अलावा गठबंधन पर भी कुछ साफ स्थिति स्पष्ट करते हुए नजर नहीं आ रहे। बढ़ते आगे, दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने सरकार पर दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षा व्यवस्था के नाम पर 1,000 करोड़ रुपए का धोखा करने का गंभीर आरोप लगाया है। रिपोर्ट देखिए। राजधानी दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव के चलते लगातार दिल्ली बीजेपी रोज नए मुद्दे पर आम आदमी पार्टी पर कड़ा शिकंजा कस रही है। बता दें कि इसी कड़ी में दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने डीयू में शिक्षा के नाम पर धांधली का आरोप लगाया। विजेंद्र गुप्ता ने आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचार में खुली बहस करने की चुनौती दी। कहा कि पिछले 10 साल में एक भी स्कूल नहीं बना, बिना लेंटर के बिल्डिंग बनाकर सरकार को झूठा लेंटर दिखाया। डीएसयू रिक्रूटमेंट स्कैम, 2 डिग्री कॉलेज यूसीजी से एफिलिएशन होने के बाद से दिल्ली सरकार ने टीचिंग नॉन टीचिंग रेगुलर भाई भतीजावाद के माध्यम से झूठी भर्तियां की। एक बनाया इन्होंने दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी डीएसयू, एक बनाई इन्होंने दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी, एक बनाई इन्होंने दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, एक कॉलेज नहीं खोला, 500 स्कूल बनाने के नाम पर 10 साल में स्कूल नहीं बनाए, और सैमी पक्का यानी बिना लेंटर के सरकार के खजाने को लेंटर लगाने के लिए बिना लेंटर की बिल्डिंग बनाकर झूठी वाई वाई लूटने की कोशिश की जा रही है। वर्ल्ड क्लास सेंटर्स की डीटीडीसी ने सरकारी खजाना बनाने के नाम पर लूटा। दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त किया गया, डीएसयू बनाकर शिक्षा के नाम पर ठगी की गई। दिल्ली सरकार एजुकेशन के नाम पर 1,000 करोड़ रुपए का धोखा कर चुकी है। आम आदमी पार्टी की शिक्षा क्रांति का पर्दाफाश, शिक्षा क्रांति के नाम पर चल रहा भ्रष्टाचार और खजाने की लूट, इसका पर्दाफाश करने के लिए हम लोग मिले हैं। मैं तथ्यों के आधार पर दिल्ली की सरकार से कुछ चुनौती देता हूं, केजरीवाल को चुनौती देता हूं, उनकी सारी टीम को चुनौती देता हूं कि जो शिक्षा क्रांति के नाम पर दिल्ली में भंडाफोड़ कर रहे हैं हम, उस पर खुली बहस के लिए मैं उनको आह्वान करता हूं। बहरहाल विजेंद्र गुप्ता ने मामले में उपराज्यपाल को पत्र लिखकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। रिया राय, टोटल टीवी, दिल्ली।